साथियों, अभी एक फरमान जारी हुआ था, दुर्घटना के बाद घायलों को मदद करें। यदि आप मदद नहीं करते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है, उस परिस्थिति में 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया जाना सुनिश्चित किया गया था। फिलहाल वो अभी जो है उसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, क्योंकि चालकों के द्वारा विरोध किया गया। ये गाड़ी जो है, यहाँ दो गाड़ी खड़ी है, देखिए, जलवानिया कंपनी का कृषि फार्म और ये कछुआ कृषि फार्म रामनगर, ये दोनों गाड़ी राजस्थान की है और दोनों जो है दोनों गाड़ी के चालक यहाँ आए हुए हैं। यहाँ से कुछ अपना सामान ढोने के लिए आए हैं, ले जाएंगे यहाँ से। रात्रि में उनका यही विश्राम था, आप देखते, गंगा किनारे ये हैं। ये लोग एक गाड़ी में दो व्यक्ति रहते हैं और वो दोनों जो व्यक्ति होते हैं तो सक्षम चालक होते हैं। मेरा अपना अनुभव है, चूँकि 18 वर्ष की उम्र से मैं मोटर लाइन से जुड़ा हुआ हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि एक सक्षम चालक होगा, अनुभवी चालक होगा, तो पूरे अपने जीवन में कभी भी सड़क दुर्घटनाएं नहीं करेगा। वो सड़क दुर्घटनाएं इसी परिस्थिति में होगी जब इस गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए, अगला चक्का ब्लास्ट कर जाए। पीछे चक्का यदि ब्लास्ट करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि अगला चक्का अचानक ब्लास्ट कर जाए तो गाड़ी पलटी मार सकती है, एक्सीडेंट होता है, या ब्रेक फैल जाए, उसी परिस्थिति में एक्सीडेंट होता है। तो एक कुशल चालक की पहचान है परिवहन विभाग के नियम को फॉलो करते हुए सड़क पर चले, और जो राजस्थान से जो चालक झारखंड में आते हैं वो काफ़ी अनुभवी होते हैं। और इन सब गाड़ियों में नए चालक नहीं होते। इस गाड़ी को चलाने के लिए भी सरकार के द्वारा नियम लागू है कि कम से कम 3 साल का अनुभव। अभी की जो गाड़ियां हैं वो बहुत जल्द क्लीनर जो होते हैं सीख लेते हैं, कहेंगे हम 6 महीना सीखे हो गए ड्राइवर, लेकिन 6 महीना सीखे तो उन्होंने सीखा ठंडा और गर्मी के दिनों में, बरसात में उन्होंने गाड़ी नहीं सीखा। अब जब वो सामने बरसात आएगी और गाड़ी लेकर सड़क पर जब चलेंगे तो उनको ये पता नहीं होगा कि सड़क से हम अपनी गाड़ी को उतारें, यदि उतारें तो किस जगह पर उतारें, उनको ये अनुभव नहीं होता है। और जिस कारण जो है कि उनका, यदि वो दाएं और बाएं सड़क से नीचे उतरते हैं कच्ची में, तो उनकी गाड़ी जो है फंस जाती है, उनके टायर जो है ज़मीन में दब जाता है। लेकिन जो होशियार चालक होते हैं, जो 3 साल 4 साल गाड़ी में रह के ड्राइवर बने और फिर चला रहे हैं, तो अनुभवी होते हैं, उनसे इस प्रकार की घटनाएं नहीं होगी। तो साथियों, आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाएं या राजस्थान से आप झारखंड आएं, असम जाएं, कहीं भी आप जाएं, लेकिन कुशल चालक की पहचान यही है कि गाड़ी को सावधानी पूर्वक हमेशा चलाना है, हाँ, गाड़ी को हमेशा नियंत्रण में रखना है। और यह हमारा जो संदेश है चालकों के लिए है, आपके साथ कभी भी कोई दुर्घटना नहीं होगी, क्योंकि जब आप उतने 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर चल करके आप कहीं दूसरे जगह, दूसरे राज्य को चले जाते हैं, तो वहाँ आप दो ही व्यक्ति होते हैं, वहाँ आपका कोई सगा नहीं होता है। और उस परिस्थिति में यदि आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है साथियों। तो इसलिए हम कहेंगे कि गाड़ी चला करके और अपने बच्चों का भरण पोषण करना, और हम तो देखा है पंजाब राजस्थान में कि 1000 गाड़ियां होती है एक एक ऑनर के पास, लेकिन उन्हें जरा सा भी घमंड नहीं होता। और ड्राइवर जब गाड़ी लगाएंगे दिल्ली आपका या पंजाब के गैराज में, तो मालिक खुद टायर के नीचे रहते हैं, गाड़ियों को चेक करते हैं, और ड्राइवर जो चालक होते हैं वे अपने घरों में जाके आराम करते हैं, 2 दिन फिर लोड होती है, फिर गाड़ी को अपने गंतव्य को चले जाते हैं।
तो इस तरह से आप देखिए, ये दोनों चालक हैं, काफ़ी अनुभव चालक हैं इन ये दोनों। क्या नाम है आपका? राम स्वरूप। क्या? राम स्वरूप चौधरी। और आपका? कालू राम चौधरी। ये रामस्वरूप चौधरी है, कालू राम चौधरी राजस्थान के चालक हैं और काफ़ी अनुभव है। देखिए इनका सीट खराब हो गया तो कुछ ठीक भी कर रहे हैं, लेकिन आज के जो नए चालक हैं ना, जैसे उनकी गाड़ी बंद हो जाएगी तो उनको पता नहीं है कि कैसे बंद हो गया। तो गाड़ी ड्राइवर बनिए, लेकिन अनुभवी ड्राइवर बनिए। जब तक कि आप पूरा अनुभव आपको नहीं हो जाए, तब तक आपको सड़क पर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि अत्यधिक गाड़ियों की संख्या जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और आप अनुभवी नहीं होंगे तो चंद मिनट में किसी की जान जा सकती है, नहीं तो आपकी भी जान जा सकती है। तो साथियों जय हिंद, और एक अच्छा चालक का परिचय दें, एक अनुभवी चालक बने, आपका भी जान है और दूसरे की भी जान है। तो सही है, एक ही टूटी, दोनों टूटी। जय हिंद।